दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, करो या मरो के सबसे इम्पॉर्टेंट चौथे T20 मुकाबले में जब इंडिया के सामने आई अफ्रीका की क्रिकेट टीम, तब मैदान में उतरे संजू सैमसंग के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा ने मचा दिया हाहाकार। चौथ के चक्कों की सुनामी ला पहले 6 ओवर में बर्बाद कर दिया अफ्रीका का गेंदबाजी क्रम। भारतीय बल्लेबाजों ने बना डाला इतना बड़ा स्कोर देखकर फटी की फटी रह गई सबकी आंखें। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए सबसे इंपॉर्टेंट चौथे मुकाबले में, जिसमें अफ्रीका की टीम तो वापसी करने के लिए तरसती नजर आई। उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सैमसंग, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा में से कौन है सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की T20 सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट चौथा और कांटे का ये मुकाबला जोहान्सबर्ग के वंडर्स क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब इस बार टॉस के बॉस बने भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव, और उन्होंने टॉस जीतकर इस बार साउथ अफ्रीका को गेंदबाजी का निमंत्रण दिया और खुल पहले बैटिंग करने का निमंत्रण ले लिया। दिल को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने संजू सैमसंग के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिसके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ पहले ओवर में आए मार्को जेंसन, जो पिछले 2 मैचों में लगातार संजू सैमसंग को बिना खाता खोले पवेलियन भेज चुके थे, ऐसे में खतरा तो संजू सैमसंग के लिए भी था और पहली 2 गेंदों में ही उनकी हवा तक नहीं लगी। ऐसा लगा था कि संजू के पहले ही गेंद नहीं पड़ रही है, लेकिन दोस्तों तीसरी ही गेंद पर संजू सैमसंग ने चढ़कर प्रहार किया और बल्ले का एच लेकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। इसी के साथ संजू ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। तो तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल ले लिया, जिसके बाद चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा तो ऑलमोस्ट पवेलियन चल दिए थे, लेकिन स्लिप में खड़े रीजा हेंड्रिक्स ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया और अभिषेक को नया जीवन दान मिल गया। और जब उनका कैच छूटा, तब पूरे भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली। उस समय अफ्रीका को पता नहीं था कि उनका ये कैच उनको कितना भारी पड़ने वाला है। पहले ओवर में टीम इंडिया केवल 4 रन बना पाई थी, जहां सभी चौके छक्कों की आंधी देखने को उम्मीद कर रहे थे। तो अब तो दोनों बल्लेबाज खामोश नजर आए थे, लेकिन दोस्तों शेर को आप कितने देर तक पिंजरे में रख सकते हैं? और अगले ओवर में ही संजू ने शिकार करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि पूरा साउथ अफ्रीका दहल उठा। जी हां दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए थे अफ्रीका के सबसे खूंखार गेंदबाज गेराल्ड गोएट्सी, लेकिन संजू तो उन्हें कुछ मानते ही नहीं थे। उनकी दूसरी ही गेंद पर संजू ने रोहित शर्मा के अंदाज में पुल शॉट लगाते हुए इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद तो लापता ही हो गई थी। सारे इस छक्के को देखते रह गए। संजू ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने गेंदबाज की दशा ऐसी बिगाड़ी कि गोएट्सी ने अगली गेंद वाइड फेंकी। तो अब सीधा हमला करते हुए संजू सैमसंग ने चौथी गेंद पर इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में चौका बटोरकर टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। 2 ओवर में ही टीम इंडिया 16 रनों तक पहुंच चुकी थी, तो अभिषेक शर्मा भी कहां रुकने वाले थे। तीसरा ओवर लेकर आए मार्को जेंसन, तो पहले ही डेरे सहमे नजर आ रहे थे, तभी तो उन्होंने मुफ्त में टीम इंडिया को वाइड के 5 रन दे दिए। तो अगली ही गेंद पर अभिषेक ने विकेट के सामने बिल्कुल सीधा चौका बटोर लिया। हालांकि बाउंड्री पर फील्डर ने गेंद को रोक लिया और उन्हें केवल 2 रन मिल पाए, लेकिन अफ्रीका गेंदबाजी क्रम में उथल पुथल साफ देखा जा सकता था, क्योंकि ये दोनों टीमें मैदान में तबाही मचा रही थी। अफ्रीका का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। पूरे स्टेडियम के होश तो उस समय फाख्ता हो गए जब इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह के माफिक फुल शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। और 3 ओवर में ही टीम इंडिया 30 रनों तक पहुंच चुकी थी उनकी खूंखार बल्लेबाजी के दम पर। लेकिन दोस्तों, ये तो तूफान के पहले की शांति थी। अनुभवी गेंदबाजों ने तो खुद को फिर भी बचा लिया था, लेकिन चौथे ओवर में जैसे ही सिपमाला आते हैं, उनका स्वागत ही सैमसंग ने मैदान को चीरते हुए गोली की तरह करारे चौके से कर डाला। तो चौथी ही गेंद पर एक तूफानी छक्का मिड विकेट के ऊपर से बटोर कर उन्होंने अफ्रीकी खेमे में हड़कंप मचा दिया था। अफ्रीकी फैंस खामोश थे, वहीं भारतीय फैंस तो जश्न मना रहे थे, क्योंकि 4 ओवर में ही टीम इंडिया 44 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी भी रुकने का नाम इन्हें नहीं ले रहे थे। इस बार 5वां ओवर लेकर आए सिमलानी की पहली ही गेंद पर
अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का जलवा पार घुमा दिया। वो गेंद तो दोबारा वापस कभी नहीं आई, तो जब नई गेंद आती है तो उसका भी हश्र पुरानी जैसे हो जाता है। और दूसरी गेंद भी इस बार मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए अभिषेक शर्मा ने दे मारी। तो तीसरी गेंद पर इस बार गेंदबाज की किस्मत इतनी ख़राब थी कि अभिषेक के बल्ले से लग कर चौके के लिए चली गई। इसी के साथ ये ओवर अब तक का सबसे महंगा ओवर था। अंतिम ओवर में अभिषेक ने बची कुची का सन निकालते हुए इस बार भी तूफानी छक्का बटोरा। इस ओवर में कुल 24 रन ठोक डाले। उसके दम पर 5 ओवर में ही टीम इंडिया 68 रनों तक पहुंच चुकी थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए सिप माला की चौथी गेंद पर अभिषेक ने चौका जरूर लगाया, लेकिन पांचवी गेंद पर इस गेंदबाज ने अभिषेक को अपने जाल में फंसा लिया, जहां इस गेंदबाज ने उनके बल्ले से अलग कर विकेट कीपर क्लासन के दास्तानों में चली गई और टीम इंडिया को 440 वोल्ट का पहला छटका लग चुका था, जहां अभिषेक इस मैच में 18 गेंदों पर 2 चौके और 4 तूफानी छक्कों की मदद से 36 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन को चलते बने। उनके आउट होने के बाद पिछले मैच में शतक वीर रहे तिलक वर्मा मोर्चा संभालते मैदान में कदम रख चुके थे। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाया था, और जिस अंदाज से बल्लेबाजी हो रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि 220 क्या 250 रन भी आज टीम इंडिया आसानी से बना सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसंग और तिलक वर्मा में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।